हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस? आई रियली होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज जो हम इस सीरीज में कंटिन्यू करने वाले हैं वो चैप्टर है आपका सॉल्यूशंस, यानी कि मिशन। तो बेसिकली कोई चैप्टर नहीं था, ये जो आपने चैप्टर किया था इज मैटर अराउंड अस प्योर, कि क्या हमारे आसपास का जो पदार्थ है वो बिल्कुल शुद्ध है, उसका एक छोटा सा पार्ट है, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो जरूर इसको ध्यान से देख लीजिएगा। जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ हमने यूट्यूब पर अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी है क्रैश कोर्सेज की, कंप्यूटर 2.0 वर्जन की, तो जरूर टाइमली चेक करते रहिए सो दैट आपकी कोई वीडियो मिस नहीं हो। सबसे पहले बात करते हैं मैटर की। तो जैसा आप देख सकते हैं कि अगर आपको मैटर को क्लासिफाई करना हो, वर्गीकृत करना हो, तो आप दो हिस्सों में बांट सकते हैं, प्योर और इम्प्योर, यानी कि शुद्ध और मिश्रण। शुद्ध वो जो बिल्कुल एक तरीके का हो, जिसका स्ट्रक्चर एक जैसा हो, और इम्प्योर वो जो अलग अलग तरीके के पार्टिकल से मिलकर बना हो। अब प्योर सब्सटेंस शुद्ध भी दो तरीके के हो सकते हैं, कि एक आपका जो स्ट्रक्चर है वो एक जैसा है, मतलब मान लो छोटा सा एग्जांपल दूं कि पूरा का पूरा सिर्फ ईंट से मिलकर बना है, या पूरा का पूरा ईंट और लोहे दो जनों से मिलकर बना है, तो आपके पास फिक्स चीजें हैं ना, तो दोनों जो बिल्कुल अकेले एक ही तरीके की चीज से मिलकर बना है उसको एलिमेंट, जो फिक्स चीजों से मिलकर बना है उसको कंपाउंड, यानी तत्व और यौगिक। और मिश्रण दो तरीके के होते हैं, होमोजीनियस और हेटरोजीनियस, सजातीय और विजातीय। दिखने में एक जैसे होंगे, सजातीय होंगे, अगर दिखने में ही पता लग जाएगा दो तीन चीजें मिक्स कर रखी हैं तो विजातीय होंगे। अगर मैं तत्वों की बात कर रही हूँ, एलिमेंट्स की, तो आगे तीन तरीके के होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स और आपके मेटलॉइड्स, धातु, अधातु और उपधातु। चलिए बात करते हैं आगे। सबसे पहले सजातीय और विजातीय मिश्रण की। ये दिखने में एक जैसे होते हैं, सजातीय, ये दिखने में यूनिफॉर्म नहीं होंगे, एक जैसे नहीं होंगे। होमोजीनियस के अंदर, सजातीय के अंदर अगर दो तीन घटक हैं, दो तीन कंपोनेंट्स हैं, तो आपको अलग अलग बाउंड्री नहीं दिखेगी कि यहाँ तक एक चीज मिक्स है, उसके बाद दूसरी चीज मिक्स है, उसके बाद तीसरी चीज मिक्स है, जबकि हेट्रोजीनियस में आपका अलग अलग बाउंड्री दिख जाएगी। होमोजीनियस के मिक्सचर्स को आप अलग अलग नहीं कर सकते हो एकदम से आराम से, लेकिन हेट्रोजीनियस के मिक्सचर को आपको अलग अलग करना है तो आप छान भी दोगे तो वो अलग अलग हो जाएंगे। नेक्स्ट इज कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी मिश्रण का सांद्रण। बेसिकली सॉल्यूशन यानी कि जो भी विलय है, आपका घोल है, वो कितना गाढ़ा है, कितना सांद्र है, तो इसका फॉर्मूला लर्न करना है बस, और कुछ नहीं करना। कितना सॉल्यूट, कितना विलय घोला है, कितने विलयन में, कितने सॉल्यूशन में, इनटू 100, सिंपल, सॉरी कितने घोल में। तो देखो, जब भी आप सांद्रता की बात कर रहे हो, करोगे, पूरे सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन होगी, पूरे के पूरे घोल की आप सांद्रता की बात करोगे, तो इसके अंदर जो विलय घोला जाता है पूरे सॉल्यूशन में देखा जाता है, तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। लेकिन अगर वो लिक्विड है, अभी तो सॉलिड की बात कर रही थी मैं, लिक्विड है तो बस इस मास की जगह, द्रव्यमान की जगह वॉल्यूम लगा देना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। वही एक और चीज होती है जिसको बोलते हैं सॉल्युबिलिटी, यानी घुलनशीलता। घुलनशीलता देखी जाती है विलयन में, सॉल्वेंट में, तो इसके अंदर फॉर्मूला सेम पहले वाला है, बस नीचे सॉल्यूशन की जगह सॉल्वेंट आ गया, सिंपल। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो ये बताता है कि सॉल्युबिलिटी, अगर आप किसी चीज को किसी चीज में घोल रहे हो तो उस पे प्रेशर और टेम्परेचर का क्या फर्क पड़ता है। जैसे अगर आप किसी लिक्विड में सॉलिड घोल रहे हो, आप मान लो पानी में चीनी, मैं हमेशा ये चीज एग्जांपल से लर्न करती हूँ, और मैं आपको भी रिकमेंड करूंगी कि आपको अगर लर्न करना है समझ के तो एग्जांपल से लर्न करो, वरना रटोगे और रटी हुई चीज आप भूल सकते हो। सॉलिड और लिक्विड की अगर मैं बात करूं, आप लिक्विड में, तरल पदार्थ में ठोस चीज मिला रहे हो, तो पानी में चीनी मिला रहे हो, क्या होगा, गर्म करोगे तो घुल जाएगी, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। टेम्परेचर और प्रेशर उल्टे होते हैं, तो टेम्परेचर का लर्न कर लो, प्रेशर का अपने आप याद हो जाएगा, पर वहीं अगर आप ठंडा कर रहे हो तो घुलनशीलता कम हो जाएगी। तो ये आ गया पहला पॉइंट। दूसरा, अच्छा, सॉलिड के केस में एक चीज है कि प्रेशर से फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि सॉलिड पे प्रेशर लगा ही नहीं सकते हो। तो दूसरा पॉइंट यही है कि सॉलिड को अगर लिक्विड में घोल रहे हो, ठोस पदार्थ को तरल में अगर घोल रहे हो, तो प्रेशर के चेंज से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। अब देखो, अब आपको गैस को घोलना है लिक्विड में, तो मेरे मन में सबसे पहले आई कोल्ड ड्रिंक, कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक ले लो, पेप्सी, कोका कोला, कुछ भी ले लो,
जितनी ज्यादा ठंडी होगी पीने में आपको उतनी ही ज्यादा उसकी जो आप कह सकते हो एक टेक्सचर होता है ना जो गले में हल्का सा चुभता है, वो जो टेस्ट आएगा वो जितनी ठंडी लोगे उतने पे आएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप ठंडा करते हो लिक्विड को तो उसमें गैस और ज्यादा घुलती है, तो इसके अंदर टेम्परेचर कम करने से और सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, तो अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी आपकी कम हो जाएगी। प्रेशर का तो बिल्कुल उल्टा है, तो प्रेशर का तो आपको लर्न करने की नीड नहीं है, टेम्परेचर से ही आप बता सकते हो। नेक्स्ट है आपके जो सॉल्यूशन होते हैं, जो घोल होते हैं, तीन तरीके के होते हैं, ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन या फिर सस्पेंशन समाधान, ये जिसको समाधान नहीं है, ये सच्चा मिश्रण जिसको बोलते हैं, कोलोइडल मिश्रण या निलंबन। अब बात क्या है कि इनमें अगर मैं आपको एग्जाम्पल, मैं वही एग्जाम्पल दे के लर्न कराऊंगी, सॉल्यूशन घोल, सच्चा घोल जो आपको दिखेगा ही नहीं कि घोल है, तो ये है आपका शुगर इन वॉटर। अगर आपने पानी में चीनी घोल दी, सस्पेंशन याद करना आसान है, जो दिख जाए कि आपने क्या क्या घोल रखा है, जैसे सैंड इन वॉटर, पानी में रेता घोल दिया। कोलोइडल सॉल्यूशन जो इतना कंफ्यूजन क्रिएट कर दे कि आप ये ना बता पाओ कि वो सॉल्यूशन है या वो सस्पेंशन है। तो इसका एग्जाम्पल रट लेना, ब्लड, मिल्क, खून हो गया, दूध हो गया, ये सब कोलोइडल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल है। ठीक है, अब देखो ट्रू सॉल्यूशन की बात करूं तो दिमाग में चीनी वाला पानी आ जाना चाहिए, तो ये मैं आपको फाउंडेशन में वैसे भी समझा चुकी हूँ, तो फटाफट से कवर करती हूँ। ये होमोजेनियस है, दिखने में सजातीय है, कोलोइडल सॉल्यूशन, अच्छा कोलोइडल बाद में, पहले निलंबन यानी कि सस्पेंशन। ये हेट्रोजीनियस है, दिखने में अलग अलग दिख जाते हैं। कोलोइडल सॉल्यूशन कौन से होते हैं? ये वो है जो दिखने में लगेगा कि होमोजीनियस है, सजातीय है, बट असल में ये विजातीय होते हैं। ऐसे ही ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स कण आपको माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखेंगे, इतने छोटे होते हैं, इनका साइज 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है। सस्पेंशन के इतने बड़े पार्टिकल्स होंगे, रेता अलग दिख जाएगा, तो इसके बहुत बड़े होते हैं, नेकेड आई से भी दिख जाएंगे, खाली आंखों से दिख जाएंगे, इसके 100 नैनोमीटर से भी बड़े होते हैं, और कोलोइडल सॉल्यूशन के 1 से 100 के बीच में होते हैं, माइक्रोस्कोप से नहीं दिखते। अगर ट्रू सॉल्यूशन को छानोगे तो वो पूरा का पूरा सॉल्यूशन पास कर जाएगा, यानी वो छनेगा नहीं। सस्पेंशन को छानोगे वो छन जाएगा, रेता अलग निकल जाएगा, लेकिन अगर आप सॉल्यूशन कोलोइडल सॉल्यूशन को छानोगे वो नहीं छनेगा। इसी तरीके से अगर आप ट्रू सॉल्यूशन को काफी देर तक रखोगे, वो स्टेबल है, वो स्थिर है, ऐसा नहीं होगा कि चीनी नीचे बैठ जाएगी थोड़ी देर बाद। सस्पेंशन को अगर रखोगे तो रेता नीचे बैठ जाएगा, वो अनस्टेबल है। कोलोइडल भी बहुत स्टेबल है, उसमें कोई पार्टिकल नीचे नहीं बैठेगा। इसी के साथ ट्रू सॉल्यूशन की बात करूं, अगर मैं आपने लाइट उसके अंदर से पास करी तो वो लाइट को बिखेरेगा नहीं, वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा। सस्पेंशन करेगा, वो लाइट को शो करेगा, और कोलोइडल भी लाइट को शो करेगा। इसी के साथ बात करते हैं आगे, कोलोइडल सॉल्यूशन के भी बहुत सारे तरीके, बहुत सारे टाइप्स होते हैं, पर मैं आपको, ये आपको मैंने फाउंडेशन कोर्स में समझा रखा है, मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको बता देती हूँ यहाँ पे क्या है। जैसे अगर सॉलिड में सॉलिड घोल रहे हो तो उसको सॉलिड सॉल्यूशन बोला जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जितने भी रूबी, पन्ना, सेफायर्स, जो स्टोन होते हैं जिनसे अंगूठियां बनती हैं, वो सब सॉलिड मतलब वो कोलोइडल सॉल्यूशन आते हैं, पर उसमें भी कौन सी कैटेगरी? सॉलिड सॉल्यूशन की। ऐसे ही सॉलिड फॉर्म, अगर आपने सॉलिड में गैस को मिला दिया, जैसे स्पंज सॉलिड है, बीच में हवा भरी हुई है, तो वो सॉलिड फॉर्म बन गया, सोल हो गया। तो आपको लर्न कौन कौन से करने हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता देती हूँ कौन कौन से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सेकेंड गाइस, मैं इंक का कलर चेंज कर लूँ। हाँ जी, तो एक तो सॉलिड सोल बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर लर्न कर लेना। इमल्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? इमल्शन का नाम सुनते ही दिमाग में दोनों एग्जाम्पल आ जाने चाहिए, ब्लड और मिल्क, क्योंकि इमल्शन में लिक्विड डिजोल्व होता है। तो ब्लड एंड मिल्क आर द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन और इमल्शन, आई शुड से। ठीक है, इसके अलावा बाकी सब एक बार बस इसके एग्जाम्पल्स पढ़ लेना, जैसे फेस क्रीम हो गया, पेंट, सोप सॉल्यूशन, इंक, स्पंज, ब्रेड, जेली, स्मोक, सब कुछ कोलोइडल सॉल्यूशन की कैटेगरी में आता है। चलिए लास्ट टॉपिक, लास्ट ब्रीफिंग, कोलाश लॉ। कोलाश लॉ बेसिकली क्या बताता है कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट अगर है, कोई भी अगर आप कह सकते हो, इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं? ऐसे सॉल्ट, ऐसे लवण जो पानी में घुलते ही आयन में टूट जाएंगे और बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा का परिवहन करेंगे। तो ये जो लॉ है बेसिकली ये बताता है कि
किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की जो वो है कंडक्टिविटी की, कैसे कितना वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, उसको कैसे लिमिट किया जाए, बस इतना आपको समझना है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैव लोअर मोलर कंडक्टिविटीज, जो कमजोर इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनकी कंडक्टिविटी, चालकता भी कम होती है और वो कम टूटते हैं, यानी वो आयन्स में कम टूटेंगे, दैट्स इट। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर होमोजेनियस, इसमें सजातीय मिश्रण कौन से हैं। सॉल्यूशन तो होता है कोलोइडल, वो दिखने में होता है पर वो होता नहीं है होमोजेनियस, तो कोलोइडल जिस जिस में आ रहा है वो ऑप्शन ही खत्म हो गया, यानी करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। नेक्स्ट, व्हाट इज द परसेंटेज कॉम्पोजिशन, अब ये इस चैप्टर का नहीं है बट फिर भी मैं बता रही हूँ, H2SO3 में H का, S का और O का अलग अलग परसेंटेज संगठन बताना है, इनका कॉम्पोजिशन बताना है। तो पहली बात तो ये गलती मत करना, अब इन्होंने ना ये नहीं लिखा कि बाय मास पूछा है या क्या, लेकिन जब भी कॉम्पोजिशन की बात होगी तो बाय मास ही निकालोगे आप बाय डिफॉल्ट। अब आप क्या करो, इन सबका मास देखो, हाइड्रोजन का एक होता है तो यहाँ दो हाइड्रोजन है, सल्फर का 32 होता है, कैसे पता लगा, मैंने नंबर याद कर रखा और नंबर का लगभग डबल, हाइड्रोजन का नंबर एक था, हाइड्रोजन का तो मास भी एक होता है, सल्फर का नंबर 16 होता है तो मास 32, ऑक्सीजन का 16, ये हो गया आपका, सॉरी ये 3 है, 64 आएगा, एक सेकेंड गाइस। चलिए H2SO3 नहीं है, ये H2SO4 है, सही कर लीजिएगा, तो 2 × 1 प्लस सल्फर का हो गया 32, H2SO3 भी आ सकता है, वो भी एक होता है सल्फरस एसिड, तो इतना बड़ा इशू नहीं है, बट मुझे पता है H2SO4 ही है, प्लस 4 × 16, तो 2 + 32 + 64 दैट विल बिकम आई थिंक 4, 5, 6, 7, 8, 98 ग्राम। अब हाइड्रोजन का निकालते हैं, हाइड्रोजन का मास कितना था, 2 / 98 × 100, 100/49, आप डिवाइड करोगे 2.0 समथिंग आएगा, तो आप देख रहे हो यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है पर आपको पता लग गया 2. समथिंग आंसर है, तो या तो ये होगा या तो ये होगा। ऑक्सीजन का निकाल लेते हैं, सल्फर का निकाल लो, सल्फर का 32 मास है, 32 / 98 × 100, तो कोई बात नहीं, एक काम ये करते हैं, ये 16, ये 49 और 49 / 100/49 लगभग 2. समथिंग के अराउंड था, तो 16 × 2 = 32, लगभग 32 मेरा आ रहा है, मतलब ये मैंने बिना कैलकुलेशन के सॉल्व किया है क्योंकि यहाँ पे 2 था तो मैंने बोल दिया इसकी वैल्यू तो 2 हो गई, 16 × 2 = 32 = 30 की लाइन में, तो यहाँ 50 है या 30 है, तो ऑब्वियसली बात है ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अच्छा एक बार आप H2SO3 से भी कैलकुलेट करना, क्या पता एक्यूरेट वैल्यूज हो, बट मुझे जो ध्यान था वो H2SO4 था तो इसलिए मैंने H2SO4 से करा दिया। Whose research was fundamental in establishing modern discipline known as surface tension, which describes the properties of liquid and solid surfaces and interfaces? देखो, जो सही तनाव है, ये वाला जो फिनोमिना था सरफेस टेंशन का, ये किसकी रिसर्च से निकला था, ये लर्न करने वाला है, रटने वाला है प्रॉपर, ये फाउंडेशन कोर्स में मैंने नहीं बता रखा क्योंकि बहुत अनयूजुअल क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक में, एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक्स में तक में नहीं है, तो ये है एग्नेस पोपल्स, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मास बाय हाइड्रोजन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन वॉटर, चलो रेशियो निकालते हैं, हाइड्रोजन का एक होता है, यहाँ दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 16, तो 2 / 16 दैट मीन्स 1 / 8 दैट इज द आंसर। नेक्स्ट, अब देखिए इसमें क्या है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन इन द कार्बन डाइऑक्साइड, आपको कार्बन डाइऑक्साइड का निकालना है राइट, तो कोई दिक्कत नहीं है, कार्बन का कितना होता है 12, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो यहाँ दो ऑक्सीजन है तो 2 × 16 आ गया, तो 12 × 32, 4 के टेबल से भी आप कट कर रहे हो, 4 × 3 = 12, 4 × 8 = 32, तो 3:8 आपका आंसर में आ चुका है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग मिक्सचर्स, मिश्रण को लेके कौन सा कथन सही नहीं है। सबसे पहला, कोलोइड्स आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स इन विच द पार्टिकल साइज इज लार्ज, तो जो कोलोइड्स होते हैं वो विषम, मिश्रण बिल्कुल हेट्रोजीनियस है बट पार्टिकल साइज छोटा होता है, उनका 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में होता है जिसको छोटी रेंज ही कही जाती है, तो ऑब्वियस बात है यही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, यही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट भी देख लेते हैं,
मेजर कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्वेंट। जब भी घोल बनाते हैं तो जो सबसे प्रमुख घटक होता है वो विलायक, जो उसमें घोला जाता है कम क्वांटिटी में, उसको बोलते हैं विलेय। तो ये बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कोलोइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ फोम। फोम का एग्जाम्पल क्या है? स्पंज। बिल्कुल। फोम होता क्या है? फोम का मतलब है कि अगर आपने सॉलिड में हवा भर दी तो उसको आप क्या बोलोगे? स्पंज बोला जाता है, फोम बोला जाता है। तो स्पंज यही है। बटर, चीज, मिस्ट, ये सभी, भाई मिस्ट है इसमें हवा आ गई, राइट, लेकिन लिक्विड के में हवा है तो ये नहीं होगा। आपका स्पंज इज द करेक्ट आंसर। Which of the following substances is insoluble in water? इनमें से कौन सा पदार्थ पानी में नहीं घुल सकता? सबसे पहला salt घुल सकता है, sugar चीनी भी घुल जाती है, chalk powder, chalk पानी में ऊपर ऊपर तैरती है, chalk पानी में कभी भी घुलती नहीं है, आप करके देख लीजिएगा। milk दूध तो घुलता ही है, मिलावट उसी की जाती है। Which of the following statement is correct regarding properties of suspension? निलंबन के गुणों में बताए गए में से हमें बताना है सही कौन सा है। इट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, बिल्कुल विषमांगी मिश्रण है। द पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय द नेकेड आईज। जो निलंबन के जो कण है वो खुली आंखों से देख सकते हैं। बिल्कुल, रेता और पानी अलग अलग दिख जाएगा। तो बोथ आर करेक्ट, बोथ वन एंड टू। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इमल्शन। इसमें इमल्शन का एग्जाम्पल क्या है? चलिए, इमल्शन के दो याद करा रखे हैं मैंने आपको, मिल्क और बटर, और 99% चांसेस है कि इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा अगर इमल्शन के ऊपर आया है तो। मिल्क, मिस्ट, जेमस्टोन और क्लाउड्स। तो मिल्क इज द करेक्ट आंसर, दूध, क्योंकि इमल्शन होता है लिक्विड इन लिक्विड, जब आप लिक्विड में लिक्विड मिलाते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स कैन बी यूज टू सेपरेट इम्प्योरिटीज इन मिल्क। दूध से अशुद्धियां निकालने के लिए किसका यूज करते हो? देखो, पता लगाने के लिए कि अशुद्धि है या नहीं लैक्टोमीटर का इस्तेमाल करते हो, लेकिन वो अशुद्धि निकालने के लिए एक टेक्निक है क्रोमैटोग्राफी। क्रोमैटोग्राफी का मतलब ही वो होता है जब मिलावट बहुत कम, मतलब कुछ ऐसे चीजों की मिलावट हो जो बहुत कम हो क्वांटिटी में, तो हम क्रोमैटोग्राफी का यूज करते हैं। तो कौन सा आंसर होगा? कॉलम क्रोमैटोग्राफी। जनरली जब एक ही लिक्विड के अंदर मिलावट हो बहुत कम कम क्वांटिटी में तो हम क्या करते हैं? हम क्रोमैटोग्राफी टेक्निक, कॉलम क्रोमैटोग्राफी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। What kind of substances are separated using the technique of steam distillation? भाप आसवन की तकनीक से किन पदार्थों को अलग किया जा सकता है? पहली बात तो ये questions इस chapter के है नहीं, ये अभी आएगा, उसकी briefing आएगी, but still मैं बता देती हूँ। भाप आसवन में क्या होता है कि कोई भी चीज पानी में पहले घोली जाती है। जब भी कोई मिक्सचर दे दिया, उनमें से एक चीज अगर पानी में घुलनशील है, उसको पानी में घोलते हैं, गर्म करते हैं, पानी भाप बन के उड़ जाता है उस चीज को अपने साथ लेकर जो उसमें घुल गई है, तो पीछे बचा हुआ रह जाता है दूसरा सब्सटेंस। तो स्टीम डिस्टिलेशन से उन्हीं चीजों को अलग कर सकते हो जो स्टीम में, भाप में घुलने वाली है या भाप में बनने वाली है। तो कलर्ड सब्सटेंसेस, सब्सटेंसेस इज मेनी इलेक्ट्रॉन, कोर सब्सटेंसेस, सब्सटेंसेस दैट आर स्टीम वोलेटाइल, यानी जो भाप में वाष्पशील होते हैं। तो यही आपका करेक्ट आंसर है। Which of the following techniques can be used for reducing total dissolved solids in water? TDS. पानी में जब आपने देखा होगा गंदा पानी आ रहा है, कुछ solid सब्सटेंस भी आ रहे हैं, अगर उसको आपको ठोस पदार्थ आ रहे हैं उसको कम करना हो तो कौन सी तकनीक का इस्तेमाल करते हो? दो तकनीक है इनमें से, तीन दे रखी है, आयन एक्सचेंज, डिस्टिलेशन और कार्डिंग। देखो, आयन एक्सचेंज में क्या होगा कि जो सॉलिड पदार्थ होते हैं उन सब पे आयन होता है, तो अपोजिट आयन हम भेज देते हैं या दो प्लेट लगा देते हैं, पॉजिटिव वाले पार्टिकल नेगेटिव पे जुड़ जाते हैं, नेगेटिव वाले पॉजिटिव पे, पानी साफ हो जाता है। तो ये यूज करते हैं, डिस्टिलेशन तो यूज करते ही है, उबाल देते हैं हम पानी को, गंदगी उड़ जाती है, पानी रह जाता है, या उसको एक बार बॉइल कर लो तो डिस्टिलेशन भी हम यूज करते हैं। कार्डिंग यूज नहीं करते। कार्डिंग क्या है? एक ऐसी टेक्निक है जिससे जो फाइबर होते हैं उनकी धुलाई होती है, उनको साफ किया जाता है। तो बोथ वन एंड टू। Which among the following is not true about a solution? एक solution, विलयन, sorry, ये घोल के बारे में, इनमें से विलयन के बारे में कौन सी चीज ठीक नहीं है? The particles of solute do not scatter a beam of light. जो particles हैं वो light को scatter नहीं करते, बिल्कुल ठीक है। The particles of solute settle down at bottom when the solution is kept undisturbed. अगर आप एक विलयन को रख दोगे तो solute नीचे बैठ जाएगा, बिल्कुल गलत, क्योंकि जो ये सॉल्यूशन होते हैं बहुत स्टेबल होते हैं, स्थिर होते हैं,
कोई भी सॉल्यूट नीचे नहीं बैठता। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स, लिक्विड में गैस मिला रहे हो, मेरे मन में आया कोल्ड ड्रिंक की बात कर रहे हैं, अगर टेम्परेचर घटाओगे यानी ठंडा करोगे तो गैस और अच्छे से घुल जाएगी, तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, ध्यान रखना। नेक्स्ट, डैश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस स्टेट्स दैट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द सम ऑफ इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ अनायन एंड कटायन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कि एक इलेक्ट्रोलाइट में प्लस और माइनस दोनों चार्ज होते हैं, इसकी अलग चालकता देख लो, इसकी अलग चालकता कि ये कितना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है और ये कितना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, इनको ऐड कर दोगे तो पूरे केमिकल की, पूरे इलेक्ट्रोलाइट की चालकता पता लग जाएगी। किसने बताया था, चालकता का सिद्धांत किसने दिया था, कंडक्टिविटी का आपके कहो कि लॉ किसने दिया था, कोलाश ने, वही बताया मैंने आपको, तो कोलाश लॉ इज द करेक्ट आंसर। तो गाइज ये थे सारे इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस। आई होप आपको चैप्टर का एक शॉर्ट रिवीजन मिल ही गया होगा। अगर आपको अपनी तैयारी को इवैल्यूएट करना है तो वेबसाइट का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, जरूर लिंक पे क्लिक कीजिए, वेबसाइट को विजिट कीजिए, जितने भी मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, सेक्शनल टेस्ट अवेलेबल है, आप उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा आरबीई एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और आप हमारे ऑफिसर बैच में एनरोल कर सकते हैं अगर आपको फाउंडेशन कोर्स करना है, जिसमें सभी बैचेस, सभी सब्जेक्ट्स की ओवरऑल नॉलेज आपको मिल जाएगी। अगर आपको इंडिविजुअल बैचेस चाहिए जिसमें कि आपको प्रॉपर, आपको पता है कि आपको सिर्फ इसी सब्जेक्ट की नीड है, तो आपके लिए इंडिविजुअल बैचेस भी अवेलेबल है, तो आप बिल्कुल आज ही एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और अपने रिक्वायर्ड बैच में एनरोल कीजिए। तो आज के लिए इतना ही गाइस, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड गुड बाय।